चलो लेट्स कंटिन्यू विद द लिमिट्स। अभी जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको बोलते हैं ट्रिगोनल लिमिट्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। और सीरियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना जरा, ठीक है। क्या चीज है, कुछ पहले रूल्स हैं अगेन, ठीक है, पहले रूल्स को समझेंगे, फिर उन रूल्स को यूज करके, ठीक है, देखेंगे उनका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहला रूल क्या है कि साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ये वन होता है, ठीक है। क्या रूल है ये, देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या चीज जा रही है, अगर मैंने एक्स को एग्जैक्टली पुट किया तो क्या चला जाएगा, साइन जीरो बाई जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो ये जीरो बाई जीरो, तो विच इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म, तो इस इनडिटरमिनेंट फॉर्म का आंसर होता है वन। कहाँ से आया, कैसे आया, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अभी फिलहाल इस चीज को ऐसे ही याद रखो, क्या चीज है, साइन के अंदर इनपुट जीरो जाना चाहिए, आउटपुट जीरो की बात नहीं हो रही, ठीक है, इनपुट जीरो की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर साइन के अंदर इनपुट जीरो जा रहा है, ये वाली चीज जीरो जा रही है, और डिनोमिनेटर में वही चीज है, अगर वो जीरो की तरफ जा रही है तो जाके उसका आंसर क्या जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका इन जनरल क्या जाता है कि जो चीज एक्चुअली में यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो चीज इधर है वही चीज इधर होनी चाहिए, एंड ये दोनों चीजें जो हैं जीरो की तरफ जानी चाहिए, ठीक है। अब इस चीज का मतलब ये है कि अगर तुम्हें ये चीज मिलेगी साइन टू एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, तो इसका आंसर वन नहीं होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि डेफिनेटली जैसे एक्स जीरो जा रहा है तो टू इंटू जीरो करूंगा तो ये जीरो, तो ये भी जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये जो डिनोमिनेटर में ये भी जीरो की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली ये दोनों के दोनों टर्म्स जो है ये जीरो की तरफ जा रही है, बट दोनों टर्म्स सेम नहीं है। यहाँ पे हमारा रूल क्या है कि दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को पहले सेम बनाएंगे, तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब जाके ये क्या बना, जो साइन के अंदर है वही चीज नीचे है और ये चीज जीरो की तरफ जा रही है, तो अब इसका आंसर क्या जाएगा, वन। तो इसका आंसर वन जा रहा है, तो वन इंटू टू क्या हो जाएगा, टू, तो इस पूरी चीज का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो चाहेगी टू, इस तरीके से, ठीक है। चलो अब सेम चीज, जैसे साइन एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस फोर लिमिट एक्स टेंड्स टू टू। अब देखो जब मैंने टू को पुट किया तो टू को पुट करके ये क्या जा रहा है, टू माइनस टू जीरो, तो इट इज डेफिनेटली साइन जीरो डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर फोर, फोर माइनस फोर जीरो, लेकिन साइन जीरो बाय जीरो बन रहा है, लेकिन क्या ये दोनों चीजें सेम है, राइट, क्या ये दोनों जीरो सेम है, नो, ये दोनों जीरो सेम नहीं है। तो अगर ये दोनों जीरो सेम नहीं है तो इसको पहले सेम बनाएंगे, तो सेम बनाने का तरीका अब क्या है, देखो साइन एक्स माइनस टू नीचे फैक्टराइजेशन कर दी, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू के बाद क्या जाएगा, ये वाली चीज जो है अब ये चीज बन जाएगी, ठीक है। तो देखो ये क्या चला गया, दैट इज वन इंटू वन बाय, ठीक, ये चीज क्या जा रही है, टू प्लस टू फोर, तो वन बाय फोर, तो फाइनल आंसर इज वन बाय फोर। इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर जा रहा है वो चला जाएगा फोर। तो मेन चीज जो तुम्हें याद रखने वाली है वो क्या है, रूल जो हमने किया है, दैट इज साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये चीज क्या जाती है, वन, लेकिन इसका जनरलाइज रूल क्या है, दैट इज साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए और ये वाली चीज जीरो की तरफ जानी चाहिए, तो जाके इसका आंसर क्या आता है, वन। ये मेन रूल है हमारे लिए, ठीक है। अब जैसे ही ये रूल है वैसे ही हमारा कोस का रूल है, सॉरी टैन का रूल है, कोस का रूल नहीं होता, टैन का रूल है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टैन एक्स बाय एक्स, तो ये भी चीज वन होती है, ठीक है। अब ये चीज निकालना सिंपल है, क्यों, क्योंकि टैन एक्स को लिख सकते हैं हम साइन एक्स बाय कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, तो एज इट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो देखो ये चीज क्या बन गई, ये वन हो गई, और ये चीज क्या चली गई, कॉस जीरो, कॉस जीरो वो भी वन होता है, तो ये चला जाएगा वन बाय वन, तो दैट इज वन, ठीक है। तो टेन एक्स बाय एक्स को तो तुम साइन एक्स बाय एक्स को यूज करके डिराइव कर सकते हो, ठीक है, बट जो चीज साइन के अंदर रहेगी वही चीज टेन के अंदर रहेगी, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे सेम चीज होनी चाहिए और वो चीज जो है वो जीरो की तरफ जानी चाहिए, तो क्या चीज जाएगी, टेन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, दैट मीन्स इट शुड बी वन, सेम चीज जो हमारे साइन के रूल थे वही हमारे कॉस के, सॉरी टैन के रूल रहेंगे, ठीक है। अब इन्हीं दोनों रूल्स को लेके पहले मैं कुछ क्वेश्चन हैं जो पहले मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे
लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन ए एक्स बाय साइन बी एक्स। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो इस साइन के नीचे, इस साइन के अंदर क्या जा रहा है, पहली बात तो ए एक्स, अब x जीरो की तरफ जा रहा है तो ए एक्स भी जीरो की तरफ जाएगा, तो इसके डिनोमिनेटर में अगर ए एक्स हो तो जाके ये जीरो जाएगा, एंड इसके डिनोमिनेटर में अगर बी एक्स हो तो चीज ये जीरो जाएगी, तो क्या बन जाएगा ये, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन ए एक्स इंटू वन बाय साइन बी एक्स, अलग अलग कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। ठीक है, अब हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है ये चीज कर दी। ठीक, अब इसके नीचे ए एक्स चाहिए तो a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसके b चाहिए तो b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो अब ये चीज वन चली गई, ये भी चीज वन चली गई, तो बचा क्या मेरा a इंटू वन इंटू वन इंटू वन बाय b, तो फाइनल आंसर इज a बाय b। हाँ जी, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, प्लीज कंफर्म करो कोई डाउट इसमें, शुभी क्लियर है? हाँ जी सर। प्रणव, प्रणव क्लियर है? आशिया, हिमानी क्लियर है? तनिष, तुषार क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक ठीक, हिमानी आप? यस सर। हेलो, ओके ओके, अरमान सर एक बार दोबारा बता दो, पता नहीं चला ए एक्स ओवर ए एक्स क्या भाई, देख देख देख, आया नहीं, इसको जनरेट किया, हमारे पास क्वेश्चन में था नहीं, हमारा रूल क्या है कि जो साइन के अंदर चीज है वही डिनोमिनेटर में होनी चाहिए तो जाके बन जाएगा ना। ठीक है, तो ओरिजिनली हमारे पास क्या था, ये चीज देख, सिर्फ ये चीज थी, बात समझा? हां जी। तो हमने x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर नीचे ax चाहिए तो a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर b से किया इधर, तो ये वन चला गया, ये वन चला गया, इधर भी है। ठीक है, ये दोनों वन वन चले गए, तो बचा क्या, a बाय b, तो a बाय b आंसर आ गया। डाउट क्या आ रहा है बोलना सर, जब हमने साइन बी एक्स के ऊपर x डाला तो नीचे नहीं डालना था? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये इसको देख, ये पता है ना तेरे को, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, ये पता है ना तेरे को, a by b अगर है तो ये b by a बन जाएगा। हाँ जाना, b को मैं a के डिनोमिनेटर में भी लेके जा सकता हूँ, ये जो पूरा bx है इसको मैं sin x के, sin bx के डिनोमिनेटर में लेके जा सकता हूँ, तो एक ही बात हो गई ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर तुम्हारा sin x by x अगर लिमिट x टेंड्स टू जीरो ये बन जा रहा है, तो भाई x by sin x जो होगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो राइट, वो भी तो वन ही होगा रेसिप्रोकल का। ओके सर, वो ना मैंने देखा ही नहीं कि उधर भी ऐसे डाला है। अच्छा ठीक है ना, ये चीज सेम है। ठीक है, हाँ जी सर क्लियर है। ए बाय बी, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ए बाय बी कैसे गया वो चीज नहीं समझ आई। कौन सा चीज बताओ ना, जो जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड जो कर दिया ए और बी से, नहीं नहीं एक्स से किया, एक्स से किया, एक्स से किया, पहले एक्स से किया, देखो सबसे पहले हमने किया एक्स से। ठीक, क्यों किया, इसका कारण समझ रहे हो प्रणव, क्योंकि साइन ई एक्स बाय ई एक्स होगा तो ही वन होगा, साइन बी एक्स बाय बी एक्स होगा तो ही वन होगा, बात समझ रहे हो, तो ई एक्स अभी है नहीं मेरे पास, तो सबसे पहले एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर ए भी चाहिए तो ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब इस हिसाब से साइन ई एक्स बाय एक्स आ गया तो ये चीज पूरी की पूरी वन चली जाएगी, ऐसे बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बी एक्स बाय साइन बी एक्स आ गया, ये भी वन चला जाएगा, तो बचेगा क्या ए बाय बी। हाँ ये गिवन था ना, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो जरा, इसके प्रैक्टिस कर करके ही पता चलेगा, ठीक है, तो ध्यान से देखो जरा कि अगर मेरे पास साइन स्क्वायर टू एक्स डिवाइडेड बाय थ्री एक्स स्क्वायर है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, ठीक है, तो क्या करोगे कि सबसे पहले तुम्हारे पास नीचे टू एक्स ही होना चाहिए राइट, और ऊपर से स्केयर हो रहा है, तो देखो इसको मैं ऐसे करूंगा कि सबसे पहले स्केयर कॉमन ले ले, ये वाला जो थ्री है इसको तो लिमिट के बाहर ले आओ, तो ये आ जाएगा वन बाय थ्री लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन स्केयर टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर, तो दोनों का स्केयर कॉमन हो गया। अब यहाँ पे टू एक्स है तो नीचे भी टू एक्स होना चाहिए तो जाके ये वन जाएगा राइट, तो इसके लिए हमने क्या किया, टू से डिवाइड किया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये चीज वन चली गई, ठीक, तो क्या बन गया वन बाय थ्री इंटू 1 into 2 का square, तो that would be 4 by 3. Pranav, clear हुआ? हाँ जी sir. पक्का? हाँ जी, किसी हाँ जी.
हिमानी क्लियर हो रहा है आपको? अर्पित, अर्शिया, ईशिका? यस सर। सारिशा, प्रियांश, तनेश, तुषार, क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक 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 है। चलो तो अब कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, ध्यान से करना जरा, ठीक है? क्वेश्चन इज चलो पहले ये दोनों करो, शाबाश जल्दी। हाँ जी, तो फर्स्ट वाले के अंदर तो नीचे 5x होना चाहिए, तो ये हमने क्या किया, साइन 5x डिवाइडेड बाय 2 अलग कर लिया x एंड मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 इनटू लिमिट साइन x टेंड्स टू 0, तो ये 1 चला जाएगा, तो आंसर क्या बचा, 5/2। सिमिलरली इसके अंदर हमने स्केयरिंग कॉमन ले लिया पहले, तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स बाय साइन बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है? फिर हमने क्या किया, ये आ गया साइन ए एक्स इंटू 1 बाय साइन बी एक्स का होल स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, सेम चीज डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी, तो ये भी 1 ये भी 1, तो क्या बचा, ए बाय बी का स्क्वायर, तो फाइनल आंसर इज ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है? जैसे हमने पहले किया था वैसे, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट चीज देखो जरा, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है? ये कॉस को इन्वॉल्व करके आते हैं, इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या करेंगे, देखो हमारे पास दो ही रूल्स हैं, साइन का और टैन का, तो वी विल ट्राई टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड टैन। जैसे अगर मेरे पास 1 माइनस कॉस 2x बाय x स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0 आया, तो सबसे पहले तो देखो क्या ये कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म है या नहीं। अगर तो ये कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म है तो इसको उसी के तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ध्यान से देखना ये चीज, क्या करेंगे, जो cos 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, राइट, वो लगाएंगे, इसको इधर रखा तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0, दैट इज 1 1 कटा, तो ये आ गया 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है? तो अब देखो जरा, ये 2 बाहर आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 दोनों का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो साइन x बाय x का होल स्क्वायर, और साइन x बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0 1 होता है, तो बचा 1 इंटू 2, तो 2 इज द आंसर। ध्यान से चेक करो, किसी भी स्टेप में अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, ये कॉस के चीजों को हैंडल करने का तरीका होता है। कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा है किसी को भी, ठीक, काफी बार नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है काफी बच्चों की, ठीक है? तो किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, नेटवर्क के कारण, तो प्लीज बताओ, दोबारा समझना चाहते हो तो मैं दोबारा समझा दूंगा, लेकिन प्लीज बताओ समझ आया कि नहीं। प्रणव, क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, अच्छा, अरमान क्लियर हुआ? आयुष, अनीश क्लियर है? नमन, प्रणव, सारिशा, सूर्यांश, शुभी, यस सर, शौर्य, तनिश, तुषार, क्लियर है? यस सर। ठीक, यस सर। ठीक है, तो ये मेथड याद रखना। अब इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो अब तुम्हें करने हैं, ठीक है? क्वेश्चन फर्स्ट इज 1 माइनस कोस एक्स बाय एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस 2mx डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2nx लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक? ध्यान से करना इन दोनों क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। सबसे पहले वाला तो क्या किया हमने, 1 माइनस हाफ एंगल लगाया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वन वन कटा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस टू, टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इन दोनों का स्केयरिंग कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय एक्स का होल स्क्वायर एन टू डिवाइडेड बाय टू इंटू टू, तो ये चीज़ क्या बन गई, ये चीज़ बन गई तुम्हारी वन, तो क्या बचा, टू डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर, तो दैट इज फोर, तो दैट इज वन बाय टू, इस तरीके से आंसर फाइनल क्या आ रहा है हमारा, वन बाय टू, ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा सेकेंड इज, अब यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो, तो ये बन जाएगा वन माइनस प्लस टू साइन स्क्वायर एम एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर एन एक्स, वन वन कटा ये कटा, टू टू कटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो दोनों का स्केयर कॉमन ले लिया, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो साइन एम एक्स बाय साइन एन एक्स का होल स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय एक्स, एम से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इधर एन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये वन हो गया, बचा एम बाय एन का होल स्केयर, एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इस तरीके से ये हमारा सारा बन गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट इज, कुछ ना कुछ रूल वगैरह या बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करके इन्हीं रूल्स के अंदर लाना है, फिर इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टेन एक्स माइनस साइन एक्स बाय एक्स क्यूब, ठीक है। अब ना थोड़ी सी चीज अगर आपने समझी है ध्यान से, ठीक है, कि नीचे जैसे दो x आ रहे हैं इस क्वेश्चन में जो जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो न्यूमरेटर में भी मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए जो जीरो की तरफ जाए, तो इसलिए जब हमने हाफ एंगल में कन्वर्ट किया तो दो साइन की चीजें आ गई, साइन x बाय टू, साइन x बाय टू, दो साइन x बाय टू हैं जो जीरो की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करना, तो कहने का मतलब ये चीज है कि जितना डिनोमिनेटर में चीजें होती है वही उतनी न्यूमरेटर में चीजें होनी चाहिए जो जीरो की तरफ जा रही है। तो जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में तीन चीजें जो जीरो की तरफ जा रही है, न्यूमरेटर में अभी तक तीन चीजें मेरे को दिखाई नहीं दे रही, राइट right? तो मैं इसको अलग अलग नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अलग अलग भी किया तो ये चीज क्या चली जाएगी, ये वन नहीं जा रहा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये वन जा रहा है, ये वन जा रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अब इसको मैं वन लिख दूं तो ये वन बाय एक्स स्क्वायर बचेगा, नहीं। ये चीज याद रखना, अगर ये क्वेश्चन है मेरे पास तो इसकी लिमिट अगर मेरे को x टेंड्स टू जीरो निकालने के लिए आ रही है तो मैं इसके अंदर और इसके अंदर सेम टाइम पे इवेल्यूएशन करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसको बोल दूंगा कि ये 1 जा रहा है तो ये 1 बाय एक्स स्क्वायर बन गया, नहीं, अभी x बाकी है ना जिसकी लिमिट इवेल्यूएट करनी बाकी है। तो और वैसे भी लिमिट हर पूरे क्वेश्चन की लिमिट एक ही स्टेप में इवेल्यूएट की जाती है, मैं दो अलग अलग क्वेश्चन के अंदर लिमिट को इवेल्यूएट नहीं कर सकता, ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चन के अंदर, दो अलग अलग स्टेप्स के अंदर सेम क्वेश्चन की लिमिट इवेल्यूएट नहीं कर सकता, तो इस तरीके से इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये गलत मेथड हो जाएगा करने का। तो अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, ठीक, क्या मेथड रहेगा कि टैन को लिखा साइन बाय कॉस, तो ये आ गया साइन बाय कॉस माइनस साइन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, एलसीएम लिया कॉस इधर, तो ये बन गया साइन माइनस साइन कॉस डिवाइडेड बाय कॉस इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, तो ये साइन एक्स कॉमन आ गया, तो साइन एक्स इंटू वन माइनस कॉस एक्स बाय कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है। अब देखो ये cos x को अलग किया, क्यों, क्योंकि देखो एक्चुअली में चेक करो कौन सी चीज है जो जीरो बाई जीरो लेके जा रही है, मेरे को जैसे x को जीरो पुट किया, एक ये चीज जीरो जा रही है तो ये चीज जीरो की तरफ लेके जा रहा है, ये cos जीरो वन होता तो ये वन माइनस वन जीरो, तो यानी कि पूरी की पूरी चीज जीरो की तरफ लेके जा रही है, एंड ये चीज जीरो की तरफ लेके जा रहा है, और cos जीरो वन होता है तो ये वन की तरफ जा रहा है, यानी कि ये चीज तो हमें तंग कर ही नहीं रही, cos x तो तंग ही नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि ये जीरो की तरफ नहीं लेके जा रहा है, ये तो वन की तरफ लेके जा रहा है। तो कहने का मतलब ये चीज है, यहाँ पे cos x के अंदर जब मैं x tends to zero put करूंगा तो ये चीज वन आ जाएगी, तो इसको कुछ भी खिलाने की, कुछ भी मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं, इसको एज इट इज हम लास्ट में वन पुट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी टर्म्स जो मल्टीप्लीकेशन में प्रेजेंट है, जो चीज ऑलरेडी वन जा रही है, इनके साथ कोई पंगा नहीं लेंगे, इनको एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। अब बाकी चीज क्या बची, देखो इसके अंदर साइन एक्स बाय एक एक्स क्यूब में से एक्स इसके नीचे रखा, एक आ गया वन माइनस cos x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर n 1 minus cos x limit x tends to 0, तो देखो ये तो 1 चला जाएगा, अब इसको भी evaluate करना है, इसको half angle में convert किया, तो ये बन गया limit x tends to 0 sin x by x 1 minus 1 plus 2 sin square x by 2 divided by x square into 1 by cos x, ठीक,
साइन एक्स बाय एक्स वन वन कटा, टू साइन एक्स बाय टू बाय एक्स का होल स्क्वायर वन बाय कोस एक्स डिवाइडेड बाय टू इंटू टू, तो ये चीज क्या आ गई, ये चीज आ गई वन, ठीक है, और ये भी चीज वन, तो क्या बचा वन इंटू टू इंटू वन बाय टू का स्क्वायर, तो वन बाय फोर इंटू ये आ गया वन, तो फाइनल आंसर गया वन बाय टू। तो इस तरीके से इसको निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, पूरे क्वेश्चन इस स्टेप में अगर डाउट है तो प्लीज बताओ। हाँ जी सर। हाँ जी शुभे सर, हम साइन एक्स बाय कॉस एक्स को टेन एक्स नहीं करेंगे फिर? नहीं नहीं, टेन को तो साइन कॉस कर रहे हैं, तो फिर वापस टेन क्यों करेंगे, ठीक है, और बताओ और डाउट। लास्ट में लिमिट हमने कॉस एक्स में पुट कर दी फिर? बिल्कुल, वो वन हो गया, ये तो वन ही रहेगा, कॉस जीरो वन होता है, वही तो बोल रहा हूँ, इसने तो पंगा ही नहीं क्रिएट किया ना, तो इसको एज इट इज रखो, ठीक है सर। तो फिर जीरो बाय जीरो लेके जा रही, उसके उसको मैनिपुलेट करके हटाएंगे ना, ठीक है सर, इन्हें की कुछ चेक करेंगे, गुड गुड, ठीक है। अच्छा अब अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो ये क्वेश्चन करो जरा, ठीक है, करो करो, शाबाश। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन ध्यान से करना प्लीज। हाँ जी देखो यार, अटेम्प्ट करते हैं अभी, ठीक है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन के अंदर अगेन क्या किया हमने, साइन टू एक्स बाय कॉस टू एक्स माइनस साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यू, तो साइन टू एक्स कॉमन ले लिया, बचा वन बाय कॉस टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब एंड कोस टू एक्स एलसीएम लेके इधर चला गया, तो ये पूरा क्वेश्चन क्या चला जाएगा हमारा, दैट इज साइन टू एक्स इंटू वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई कॉस टू एक्स इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है। अच्छा अब इस एक्स क्यूब में से एक एक्स इधर रखा है, एक एक्स स्क्वायर इधर, तो इसको टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये चीज़ तो वन हो जाएगी, तो इसको अलग से रख दिया, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट किया, ठीक, तो क्या बन जाएगा ये टू इंटू ये साइन टू एक्स बाई टू एक्स एज इट इज इंटू वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू वन बाय कॉस टू एक्स, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो क्या बचा टू इंटू टू, ठीक, और ये वन हो जाएगा जीरो पुट करके, तो टू इंटू टू फोर, तो इसका आंसर फोर चला गया। हाँ जी प्लीज कन्फर्म करो, क्लियर है शुभी? यस सर। राइट प्रणव, क्लियर है? हाँ जी, ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर तो हमें cos c माइनस cos d लगाना है, तो ये बन जाएगा टू साइन c प्लस d बाय टू, वो आ जाएगा टू एक्स इंटू साइन d माइनस c बाय टू, तो दिस माइनस दिस बाय टू, वो आ जाएगा साइन x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, दोनों x को अलग अलग कर दिया, तो इधर नीचे ऊपर 2x से नीचे 2x चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ये और ये, तो ये 1 1 हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो क्या चला गया 4 इंटू 1 इंटू 1, तो दैट इज 4, तो इसका आंसर 4 चला गया। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? इसलिए मैंने बोला था cos c माइनस cos d लगाओ, लेकिन इस क्वेश्चन में वो भी लगाने की जरूरत नहीं है, कैसे, मैंने ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये क्या बन जाएगा sin 2x by x plus sin 6x by x total divided by साइन 5x by x माइनस साइन 3x by x, और देखो इधर 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 6 चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 3 तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 5 तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, तो क्या बन गया 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 दैट इज 8 बाय 2, तो दैट इज 4, तो इस तरीके से फाइनल आंसर 4 आ गया। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें प्रणव? ठीक है चलो, तो सेकंड दिखाना। हाँ जी सेकंड देखो जरा, ये चीज cos c माइनस cos d लगाया ना, तो 2 sin c माइनस c प्लस d बाय 2 sin d माइनस c बाय 2, ठीक
है, दोनों नीचे एक्स के रहा, एक्स एक्स अलग किया, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, तो बचा टू इंटू टू फोर। क्लियर है अरमान? सर ये माइनस टू नहीं आना भाई, ध्यान से समझना, cos c माइनस cos g क्या होता है, टू sin c प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। अगर माइनस लिखता हूं मैं तो फिर आता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। मैं यहाँ पे डी माइनस सी लिख रहा हूँ तो फिर माइनस नहीं आएगा ना, सेकंड एंगल माइनस फर्स्ट एंगल करूंगा तो फिर माइनस नहीं आता, लेकिन अगर फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल करूंगा तो फिर माइनस आता है, बात समझे? हाँ, तो मैंने डी माइनस सी किया ना, तो दिस माइनस दिस करूंगा तो टू एक्स, टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, तो एक्स, तो सिंपली माइनस लगाने की जरूरत नहीं। अगर तुम माइनस लगाओगे तो इधर भी माइनस आएगा बाहर और अंदर भी माइनस आएगा, तो वो दोनों कट जाएंगे ना फिर, समझे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझे अरमान? सर मेरा कट नहीं रहा था सर, वो गलत होगा। हाँ गलत होगा, ठीक है, थोड़ा नीचे करना, ये लो, ठीक है, कर लो नोट। लेक्चर फिलहाल यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इनके क्वेश्चंस को, होमवर्क भी इसी के रिलेटेड रहेगा, ठीक है, चलो डन डन, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम।